नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सलथुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मंजीव मिश्रा जी के पास, क्योंकि कल ही जो चुनाव का मैंडेट आया है उनमें सलथुआ पंचायत से रिंकी मिश्रा जी विजयी हुई हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रिंकी मिश्रा जी के देवर मंजीव मिश्रा जी। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला बात मुखिया जी, आपको मुखिया बन के इस बार कैसा लग रहा है? देखिए, हम तो जनता की सेवा करने के लिए चले थे। चुनाव के दौरान भी हमने कहा था अपने पंचायत में कि हमको बस कर्ज दीजिए, और प्रधान सेवक कैसे होता है, मुखिया सेवा कैसे करता है, हम आप लोगों को जिस दिन माला मेरे पड़ जाएगा उस दिन सेवा करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। कर्ज दीजिए, हम सूद समेत आप लोगों को लौटा देंगे। भरोसा करके मेरे सलथुआ पंचायत के भगवान रूपी जनता ने मुझे विश्वास किया, मुझ पर भरोसा करके मुझे जो जनाधार मिला है, हमको 2162 वोट से चुनाव जीत हासिल हुई है। ये प्यार और ये स्नेह अपने पंचायत के लिए, मैं ठान बैठा हूँ कि जो उम्मीद के साथ मेरा पंचायत ने मुझे भरोसा किया है, एकदम मैं प्रयास करूँगा कि उतना ही साथ में उसके साथ कदम में कदम मिला के मैं भी खड़ा रहूँ। जब क्षेत्र में घूम रहे थे, बहुत मेहनत किया आपने, ऐसा कौन सा काम था जिसको आपको लगा कि नहीं ये ठीक कर देंगे तो हमको चुनाव जीत जाएंगे, और आपने ऐसा क्या किया? देखिए, दरअसल आज हम बहुत दिनों से, कई सालों से हम सेवा करते रहे हैं। मेरा स्वभाव है, जीवन का मकसद है सेवा करना, ये सच्चाई भी है। मैं जब तक जीऊँगा, धरती पर रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। गरीबों का मैं खासकर मदद करता हूँ, बाल बच्चे के महाविद्यालय से मदद ये भी मिलता है, पढ़ाई लिखाई में भी बच्चों को मदद करता हूँ। लोग मेरे दरवाजे पे जो भी कुछ मदद के दरवाजे आते हैं उम्मीद से, मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी मदद में मैं खड़ा रहूँ। और यही मदद की उम्मीद लोगों को लगा कि नहीं, हमारे लिए ये कि भगवान रूपी जनता के भगवान बन के आए हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। और हमने सबके बीच में जो जो चुनाव के भी दौरान मुझसे मदद मांगे मैंने किया है, यही उम्मीद रखकर पूरे भगवान रूपी जनता सलथुआ के पंचायत ने मुझे जीत हासिल। क्योंकि बिहार के पंचायत चुनाव में जाति बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता होगा जाति वगैरह कुछ, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे साथ जो चलते हैं, मेरे लिए जो एक कदम चलते हैं, मैं उनके लिए 10 कदम चलने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने चुनाव के भी दौरान कहा था, और मेरा जीवन का मकसद है कि जो मेरे लिए खड़ा रहेंगे मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में लोग वादे करते हैं, आपका पहला काम कौन सा होगा अपने पंचायत के लोगों के लिए? सबसे पहले तो काम तो जो फंड और मुखिया की बात है, वो जब चालू हो जाएगा स्कीम, वो तो होगा ही। मेरा मकसद ही सेवा करना गरीबों का, और हमारे पंचायत में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको आर्थिक स्थिति से मदद मिले तो बहुत राहत होता है। उसमें आवास योजना वगैरह का कुछ आता जरूर, एकदम आवास वगैरह, कॉलोनी जो है, वृद्धा पेंशन वगैरह, जो पहले से जितना अनियमितता होती थी अब नियमित रूप से, जब कार्य शुरू होगा 2 महीने या जनवरी से, मैं सभी विभाग के अधिकारी को बुला के पहले चेतावनी दे दूंगा, पूर्व समय समाप्त हो चुका, पहले के मुखिया की दौर खत्म हो गई, अब नए मुखिया की दौर शुरू हो गई, सही सलामत आप लोग काम कीजिए और गरीबों के साथ खड़ा रहिए, जहां न्याय है वहां न्याय कराइए। उसको शुरू से ही, मैं जनवरी माह से जब कार्य होगा, मैं बुला के सारे अधिकारी कुदरा बोलो के मैं आदेश दे दूंगा। जब हम लोग चुनाव के दरमियान सर्वे कर रहे थे, वहाँ दोनों ज़िले में आपका पंचायत लोगों के भीड़ में काफ़ी आगे था, और प्रचंड बहुमत भी आपको मिली है, तो मुखिया जी कितना खर्च लगा होगा इस चुनाव में? अब खर्च की कोई बात नहीं है, सारे जो प्यार स्नेह है मेरे अपने पंचायत परिवार का, ये अटूट है। खर्च तो चुनाव में है, जो रहेंगे हमारे साथ, जो जी मदद मांगेंगे मदद मैं करूँगा ही, खर्च की बात नहीं है। जो हमारा परिवार का स्नेह प्यार मिला है वो अटूट है जी। कल जीतने के बाद भी देखा गया बहुत बड़ा काफिला था, और अमूमन चुनाव में देखा गया है कि लोग मछली का पार्टी देते हैं, भोज देते हैं, क्या आपने भी ऐसा किया था क्या? जी, प्रमाण पत्र देते समय BDO साहब ने मेरे प्रतिनिधि को बताया कि देखिएगा भाई, आपका चुनाव बड़ा हाईलाइटेड चुनाव है, आप लोग जुलूस नहीं निकालेगा। मैंने आग्रह भी किया था, DM साहब की भी जेहन में मेरा चुनाव था, हमसे बात भी हुई थी, तो बोले कि देखिएगा चुनाव शांति से होना चाहिए, चुनाव आप जीत रहे हैं, बधाई भी दिए हमको, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहे कि भीड़ और जुलूस लेके चले। जनता की इतना उमंग थी, जनता का इतना प्यार, मेरे प्रति लगाव था कि मैं रोक के भी चाह कर नहीं। ये जुलूस आपके द्वारा प्रायोजित नहीं था, ये लोग अपने बिल्कुल नहीं, ये हमारे परिवार, पंचायत के परिवार के तरफ से था, मैं चाह के भी नहीं रोक पाया। मुखिया जी, आपके जो अभी बदलाव हुआ है, इस बदलाव को आप किस तरह से पूरा करेंगे जो अपने पंचायत के लोगों के लिए? हमने वचन दिया अपने पंचायत परिवार में, और जो मेरा सेवा का भाव है, जीवन का मेरा जो सोच है कि मुझे ज़िंदगी हमारी रही तो मैं मदद करूंगा और मैं सेवा के भाव से अपने जीवन को बिताऊंगा, ये मैं आजीवन करता रहूंगा। अभी मुखिया जी को बधाई देने के लिए कैमूर और रोहतास के निवर्तमान MLC संतोष सिंह जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। सर,
देखिए ये तो सत्य हो गया, चूँकि मैं यहाँ बैठा था और आपका हम इंटरव्यू देख रहा था। आपने कहीं से घुमा के एक बात कर रहे थे कि भाई चुनाव में आपने कितना खर्चा किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ, एक रोहतास कैमूर के एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक हाउस के सदस्य होने के नाते, कि सलथुआ पंचायत का जो प्यार और स्नेह मिला है अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने समाज सेवक के रूप में, वो कहीं कैमूर रोहतास में दिखा नहीं है। और ये सब स्नेह प्यार का ये है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं पैसे वाले जो जीत के मुखिया बन जाते हैं। सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, चूँकि मैं धन्यवाद देने के लिए और इस सलथुआ पंचायत की जनता के तरफ से माननीय मुखिया जी के प्रतिनिधि को तहे दिल से धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आशा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सलथुआ पंचायत की जनता को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो आशंका है, आपने जो विश्वास का चश्मा से अपने प्रतिनिधि को देखा है, जो अटूट विश्वास किया है, उस पर खड़े उतरेंगे, ये मेरा भरोसा है। मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। चलिए, MLC साहब को भी मुखिया जी के प्रतिनिधि पर काफ़ी विश्वास है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ब्रजेश कुमार, आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। धन्यवाद।